बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। पहले तो ऑनरेबल मिनिस्टर की रहनुमाई जो उन्होंने ज़िक्र किया, उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। वो पाकिस्तान का आईन पढ़ लें। आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, विच टॉक्स अबाउट प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल गैस। 158, द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड शैल हैव प्रेसिडेंस ओवर अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दैट वेल हेड सब्जेक्ट टू द कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑन द कमेंसिंग डे। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि पाकिस्तान के आइन का एहतराम करें। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 158 के तहत जहाँ जहाँ वेल हेड जिस सूबे में सिचुएटेड है उसको नेचुरल गैस उसकी डिमांड के तहत दी जाए। और अब मैं आती हूँ कि इस नेचुरल गैस को आप किस तरीके से पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मैं सुन रही थी तो उन्होंने जो ऑनरेबल नवीद कमर साहब ने फरमाया कि वो तमहीद बांधी और फिर बार बार उसी चीज़ पर गए, हालांकि सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि जो नेचुरल गैस हमारी अपनी लोकल गैस है, पहली बात तो ये आप एडमिट करें इस फ्लोर पे कि आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं नए रिजर्वॉयर्स एक्सप्लोर करने के हवाले से। आपके पास अब आप कहते हैं गैस नहीं है, अब आप आ जाएं आर एल एन जी जिस पे आप बार बार जिद करके हमें बता रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि विंटर मंथ्स में जहाँ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की ज़रूरत डिमांड बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे सर्द इलाकों में जहाँ हीटिंग की ज़रूरत है और हर एक को कुकिंग के लिए गैस चाहिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस नहीं मिल रही है इस वक्त, ये हकीकत है। अगर इस फ्लोर पे आप सही और गलत जवाब की बहस में पढ़ के हमारा और आवाम का टाइम वेस्ट करेंगे तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हमारी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं है। सर मैं आ रही हूँ उस बात पर कि आपने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को जिंदा रखें, ठीक है रखें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आरएलएनजी के गाहक नहीं है आपके पास। आप ये आरएलएनजी जो कि महंगी गैस है, आप ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को देने के बजाय कंज्यूमर से आप तकरीर तो नहीं कर सकते ना शाहजहां मरी साहब, आप इतनी सीनियर वो हैं। You can't ask 10 questions, please. Please be brief. जी शाहजहां मरी साहब का माइक खोलें। Please be brief. माइक ऑफ करें। Despite the fact कि domestic consumers की demand इस season में बढ़ गई है, despite this reality, gas divert हो रही है captive power plants को, natural gas. आप captive power plants को चलाएं, हमें मना, हमने मना नहीं किया। उनको आप RLNG पे prices पे gas दें। ठीक है। Okay. ओके मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज़ अब रेफर करें, जुमे का टाइम है। नहीं तकरीर तो नहीं हो सकती शाहजहां मरी साहब, आप दिस इज़ नॉट फेयर। आप चेयर का कहना नहीं मान रहे। नहीं जी शाहजहां मरी साहब का माइक खोलें। सर आई रिजेक्ट द रिडिकुलस आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द इम्पोर्टेड गैस एंड लोकल गैस ऑन एट वन प्राइस। I reject it, I condemn it, and please do not even say something like this when the iron of constitution of Pakistan is right before you. So please do not do this, make a mockery out of this whole issue. Article 158 of the constitution says, which talks about priority of requirement of natural gas. 158, the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead, subject to the commitments and obligations as on the commencing day. सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि पाकिस्तान के आइन का एहतराम करें। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 158 के तहत जहाँ जहाँ वेल हेड जिस सूबे में सिचुएटेड है उसको नेचुरल गैस उसकी डिमांड के तहत दी जाए। और अब मैं आती हूँ कि इस नेचुरल गैस को आप किस तरीके से पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मैं सुन रही थी तो उन्होंने जो ऑनरेबल नवीद कमर साहब ने फरमाया कि वो तमहीद बांधी और फिर बार बार उसी चीज़ पर गए, हालांकि सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि जो नेचुरल गैस हमारी अपनी लोकल गैस है, पहली बात तो ये आप एडमिट करें इस फ्लोर पे कि आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं नए रिजर्वॉयर्स एक्सप्लोर करने के हवाले से। आपके पास अब आप कहते हैं गैस नहीं है, अब आप आ जाएं
आरएलएनजी जिस पे आप बार बार जिद करके हमें बता रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि विंटर मंथ्स में जहां डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की ज़रूरत डिमांड बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे सर्द इलाकों में जहां हीटिंग की ज़रूरत है और हर एक को कुकिंग के लिए गैस चाहिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस नहीं मिल रही है इस वक्त, ये हकीकत है। अगर इस फ्लोर पे आप सही और गलत जवाब की बहस में पढ़ के हमारा और आवाम का टाइम वेस्ट करेंगे तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हमारी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं है। सर, मैं आ रही हूँ उस बात पे कि आपने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को जिंदा रखें, ठीक है, रखें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आरएलएनजी के ग्राहक नहीं है आपके पास। आप ये आरएलएनजी जो कि महंगी गैस है, आप ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को देने के बजाय कंज्यूमर से अब आप तकरीर तो नहीं कर सकते ना शाजिया मरी साहब, आप इतनी सीनियर वो हैं, यू कांट आस्क 10 क्वेश्चंस, प्लीज प्लीज बी ब्रीफ। जी शाजिया मरी साहब का माइक खोलें, प्लीज बी ब्रीफ, माइंड अप करें। डिस्पाइट द फैक्ट कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की डिमांड इस सीजन में बढ़ गई है, डिस्पाइट दिस रियलिटी गैस डाइवर्ट हो रही है कैप्टिव पावर प्लांट्स को, नेचुरल गैस, आप कैप्टिव पावर प्लांट्स को चलाएं, हमने मना नहीं किया, उनको आप आरएलएनजी पे प्राइसेस पे गैस दें। ओके ओके, मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज अब रेफर करें, जुमे का टाइम है, नहीं तकरीर तो नहीं हो सकती शाजिया मलिक साहब, आप दिस इज नॉट फेयर, आप चेयर का कहना नहीं मान रहे, नहीं जी। शाजिया मरी साहब का माइक खोलें। सर, आई रिजेक्ट द रिडिक्युलस आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द इम्पोर्टेड गैस एंड लोकल गैस ऑन एट वन प्राइस। आई रिजेक्ट इट, आई कंडेम इट, एंड प्लीज डू नॉट इवन से समथिंग लाइक दिस व्हेन द आइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज राइट बिफोर यू। सो प्लीज डू नॉट डू दिस, मेक अ मॉकरी आउट ऑफ दिस होल इशू।